गुड मॉर्निंग विवेक कुमार सिंह, आज हम लोग बीएलएड स्टेट इलेक्ट्रिकल्स 9 के यूनिट 2 से समस्या समाधान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नियोग विधि के बारे में जाना, प्रदर्शन विधि तथा परियोजना, तीन विधियां हमारी हो गई थी। आज हम लोग समस्या समाधान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्या समाधान एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। समस्या समाधान विधि में इसमें छात्र को कार्य सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने ऐसी समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी का हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी के सामने ऐसी समस्या रखी जाती है, इसका हल ढूंढने के लिए विद्यार्थी जो है प्रयास करता है। अध्यापक हल ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करता है। समस्या समाधान विधि हमारे क्या है? समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्यक्रम से संबंधित होती है। इसमें छात्र को कार्य सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है और अध्यापक हल ढूंढने के लिए विद्यार्थी को जो है प्रेरित करता है। अब हम समस्या समाधान के डेफिनेशन बताते हैं। समस्या समाधान के हम दूसरे शब्दों में जान सकते हैं। समस्या समाधान के विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्कसंगत के आधार पर मानसिक रूप से समस्या को समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। समस्या समाधान के विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्कसंगत के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। स्किलर महोदय ने इसे परिभाषित किया है, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सूचनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। स्टीलर महोदय ने क्या कहा? समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सूचनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं समस्या समाधान विधि के सोपान। समस्या समाधान विधि के सोपान, समस्या समाधान विधि के सोपान में सर्वप्रथम समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमारा परिकल्पना का निर्माण करेंगे। प्रयोग एवं परीक्षण में करने के लिए पहले परिकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। परिकल्पना प्रस्तुत करने प्रयोग एवं परीक्षण करना, उसके बाद फिर उसका विश्लेषण करना, फिर समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। सर्वप्रथम समस्या की पहचान करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर प्रयोग द्वारा परीक्षण करेंगे उसका, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये हमारे पांच जो है सोपान है। समस्या समाधान विधि पांच समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, प्रयोग द्वारा परीक्षण करना, विश्लेषण और समस्या के निष्कर्ष पर पहुंचना। अब हमारा अगला पॉइंट है समस्या समाधान विधि के गुण। समस्या समाधान विधि के गुण, समस्या समाधान विधि के गुण पहला पॉइंट हमारा, इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस विधि में विद्यार्थी जो है स्वयं करके उसको सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा, विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। जब परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं तो उनकी जो है कल्पना शक्ति में जो है वृद्धि होती है। और चौथा पॉइंट होता है, विद्यार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं। विद्यार्थी जो है जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करना सीखते हैं। यह विधि विद्यार्थी में वैज्ञानिक अंतरिक्ष का विकास करती है। समस्या समाधान विधि जो है विद्यार्थी वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है। ये हमारे पांच पॉइंट है। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में शामिल होकर उसे हल करना सीखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, विद्यार्थी परिकल्पना निर्माण करना सीखते हैं और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पना शक्ति में वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट हमारा है, विद्यार्थी जीवन
विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि का विकास करती है। अब हम आते हैं समस्या समाधान विधि के दोष पे। समस्या समाधान विधि के दोष, समस्या समाधान विधि का पहला दोष है इस विधि के प्रयोग में समय अधिक लगता है, समस्या समाधान विधि के प्रयोग में समय अधिक लगता है। दूसरा दोष इसका है इस विधि से प्रत्येक विषय वस्तु का शिक्षण करना कोई संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट हमारा है चूंकि इस विधि में प्रयोग कार्य भी करना होता है, समस्या समाधान विधि में प्रयोग कार्य भी करना होता है, इसलिए शिक्षक का प्राइमरी कार्य दक्ष होना आवश्यक होता है। अगर शिक्षक प्राइमरी कार्य दक्ष नहीं होगा तो समस्या समाधान विधि का जो है अच्छे से होगा, समस्या समाधान विधि का अच्छे से हो निराकरण नहीं करता या उसको बता नहीं पा रहे। पहला पॉइंट हमारा यह है दोष किसका, इस विधि के प्रयोग में समय ज्यादा लगता है। दूसरा है इस विधि से प्रत्येक सेवा वस्तु का शिक्षण नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट हमारा है चूंकि इस विधि में प्राइमरी कार्य करना होता है अतः शिक्षक का प्राइमरी कार्य दक्ष होना अति आवश्यक होता है। तो समस्या समाधान विधि हमारा समाप्त हुआ। समस्या समाधान विधि के बाद हम जो है चार विधियां हम लोगों की हो चुकी है फोर्थ यूनिट में। हम लोग प्रयोग भी हम लोगों का हो गया, प्रयोग भी हो गया, परियोजना विधि हो गई, प्रदर्शन विधि हो गया, आज समस्या समाधान विधि भी समाप्त हो गई। अब हम लोगों का शेष है सर्वेक्षण विधि। कल हम लोग सर्वेक्षण के बारे में पढ़ेंगे, चार विधियां हम लोग समाप्त हुई। कल हम लोग सर्वेक्षण के बारे में, थैंक यू।